अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हंगो वापडा के पुरानी काबीना को नए साल के लिए बरकरार रखा गया। जावेद हुसैन डिवीजन चेयरमैन फरस शेर जनरल सेक्रेटरी बरकरार। वापडा से रिटायर्ड होने वाले दो मुलाजमीन को फूलों के हार पहनाकर अलविदा किया गया। वापडा मुलाजमीन के हुकूक के लिए किसी भी किस्म के इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। जावेद हुसैन और फरक शेर का तकरीब से खिताब। हंगो वापडा हाउस में मुलाजमीन की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वापडा के दो मुलाजमीन रफीउल्ला और मुतीउल्ला को फूलों के हार पहनाकर अलविदा कर दिया गया। इस मौके पर वापडा मुलाजमीन ने मुतफ़िका तौर पर हाइड्रो यूनियन की काबीना को नए साल के लिए बरकरार रखने की करारदाद पास किया, जिसके तहत जावेद हुसैन डिवीज़न चेयरमैन फरक शेर जनरल सेक्रेटरी उस्मान खान वाइस चेयरमैन, जबकि हंगो वन के लिए फरक शेर चेयरमैन इसहाक खान जनरल सेक्रेटरी फयाज वाइस चेयरमैन आसिफ खान जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए, जो कि एक साल तक मजीद अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। इस मौके पर चेयरमैन हंगो वन फरक शेर का कहना था कि वापडा मुलाजमीन गो ना गो मसाइल का शिकार हैं। इन मसाइल के हल के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और किसी को वापडा मुलाजमीन के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। थाना शुमाली छावनी की हदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से शहबाज के कत्ल होने का मामला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के मौके से शवाहिद इकट्ठे। एसपी कैंट ईसा सुखेरा नफरी के साथ मौके पर मौजूद। शुमाली छावनी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिम कासिम अली को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी। मकतूल के चचा तारिक खान के मुदय्यत में दो नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। मफरूर मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। एसपी कैंट ईसा सुखेरा। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नवाकोट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 14 मुलजिमान गिरफ्तार। चोरी झपटा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 आदि मुजरिमान अली जुल्फिकार गिरफ्तार। सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में 9 सट्टेबाज गिरफ्तार। हजारों रुपए नकदी बरामद। स्नैप चेकिंग के दौरान मुलजिम सावल के कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद। स्नैप चेकिंग के दौरान नजायज असलहा रखने के मुर्तकिब 2 मुलजिमान आबिद साद गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हवालात में बंद SHO अमजद जावेद भट्टी। SP इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी की नवाकोट पुलिस टीम को शाबाश। शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद डेरा फड़वाला में सालाना कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मलिक राशिद आवान और अकबर अली पन्नू थे। कबड्डी मैच में जीतने वाले खिलाड़ियों को लाखों रुपए के इनाम तकसीम किए गए। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शहराज सिद्धू की ये रिपोर्ट। शेखपुरा के इलाका फरूकाबाद डेरा पेड़वाला में सालाना कबड्डी मैच का इनकार किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मलिक राशिद अवान और अकबर अली पुन्नू थे। कबड्डी मैच में जीतने वाले खिलाड़ियों को लाखों रुपए के इनाम तकसीम किए गए। कबड्डी मैच में पाकिस्तान के नामवर गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने कबड्डी में अपने जोहर दिखाकर शायकीन इलाका की खूब दाद हासिल की। इलाका मकीनों की कसी तादाद ने शिरकत की। मैच के दौरान मलिक राशिद अवान और अकबर अली पुन्नू ने जीतने वाले खिलाड़ियों को फर्स्ट इनाम 2 लाख रुपए, सेकंड इनाम 1 लाख रुपए और इंतजामिया को 50,000 नकदी दिए। जीतने वाले हर खिलाड़ी को 5,000 रुपए का नाम दिया गया। साहब जो इंटरनेशनल प्लेयर है और इंडिया को हमेशा उन्होंने मात दिया है, शेर माना साहब भी आए हैं। ये फरूकाबाद के लिए खुशकिस्मती है और इस टूर्नामेंट को मुनक्कद करवाने में शहजाद गुजर साहब जो MP है फरूकाबाद से, ये उनकी खुशी काविश है और ये पाकिस्तान नून के शेर बबर हैं जिनकी काफों से ये सारा मेला सजा, और मैं टूर्नामेंट कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैच में आने वाले मौजूदीन में सजाद हैदर गुजर, मलक शेरवान, मलक सफियान अवान, मलक शाहजेब अवान, एहसन अवान, मियाँ असदुल्ला, मियाँ रजाक और ने शिरकत की। कामयाब कबड्डी मैच करवाया और इस उर्स दे रौनकों दुबाला किया और इन्होंने पिछली अपनी रवायात नू जारी रखदिया होया एक बड़ा खूबसूरत मैच कराया। इस मौका पर आने वाले मौजूदीन मेहमान ग्रामी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जहां ग्राउंड बाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। कबड्डी पाकिस्तान का कौमी खेल है। पंजाब की सहाफत को बरकरार रखने के लिए कबड्डी बड़े शौक से खेली जाती है। कबड्डी उनका खेल है जिनके माँ बाप को उनके बच्चों को दूध मक्खन खिलाने का शौक है। ये पिज़्ज़े बर्गरों का खेल नहीं है। जब मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे और हमें चाहिए कि हम अपने अस्पतालों को वीरान रखें और मैदानों को आबाद करें। जो है ये हमारी पंजाब की सहाफत है
और ये सकाफती प्रोग्राम जो है ये नौजवानों के अंदर टैलेंट उजागर करने के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है। मेरा पेड़ा का मशहूर जिले हो जाए सेहतमंद और अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया और सारे का मौका दिया। असं शुक्रिया अदा करने तमाम शायकी ने कबड्डी का जेडे दूर दराज तो डेरा भिड़वाला फरूकाबाद पहुंचे और मैच की रौनक दुबाला किया। इंतजामिया ने आने वाले मौजूदिन मेहमाने ग्रामी का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वारदात कॉलोनी की हदूद में वारदात का मामला, एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शेराजी की एसडीपीओ मुस्लिम टाउन को फौरी मुलजमान की गिरफ्तारी की हिदायत। वारदात का मुकदमा दर्ज, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों, सीसीटीवी कैमरों समेत तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मुलजमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शेराजी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।